ऑपरेशन? हाँ मोटा भाभी, डॉक्टर मेहता का कहना है कि राशि को पथरी के साथ साथ अपेंडिसाइटिस है और इसलिए ऑपरेशन करना बहुत ही जरूरी है। हे ठाकुर जी, रक्षा करिएगा। मोटा भाभी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कोकिला तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग अभी आते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। काकी जी क्या हुआ? गोपी दिकरा तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं है, वो राशि का अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन है। हम चलते हैं ना हॉस्पिटल। हाँ काकी जी, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, बस अब कान्हा जी करे कि ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। जिगर सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। हाँ जवाई जी, बेचारी मारी दिख रही। भाभी राशि राशि का ऑपरेशन चल रहा है, चिंता मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा। कान्हा जी मेरी राशि पे इनकी रक्षा करें। डॉक्टर साहब कैसी राशि अब? डोंट वरी मिस्टर मोदी, नाउ योर वाइफ इज फाइन। डॉक्टर मेहता राशि को होश कब आएगा? हाँ डॉक्टर भाई, एक क्या रे बोलवा मन से। उर्मिला बेन मैं बात कर रही हूँ ना। दो घंटे में होश आ जाएगा। क्या हम राशि को देख सकते हैं? जी हाँ, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट होने के बाद ही। आई होप आपने बिल्स वगैरह सब भर दिए हैं। जी जी, मैंने 20,000 रुपये भर दिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोपी दिकरा थई गयो, राशि दिकरा को अंदर आने दे। जी मिठी सबके लिए खाना लगाओ। राशि चलो अंदर चल के आराम करो, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कोई मजाक थोड़ी है, चल। उर्मिला बेन हम भी जानते हैं ये बात, राशि को आराम की जरूरत है। इस ऑपरेशन के 20,000 रुपए नॉट बैड ना डॉक्टर मेहता। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, मैं कुछ भूल रही हूँ शायद। अभी आई। आउच। मम्मी जी वो मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं बस ऊपर जाके आराम करना चाहती हूँ। राशि दिख रहा क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बा, वो डॉक्टर ने राशि को बेहोशी का इंजेक्शन दिया था ना। राशि जाओ जाकर आराम करो बेटा। मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। मैं मम्मी आपको भी देर हो रही होगी, आप घर जाइए, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं
ऐसी हालत में मैं तुझे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है ज्योतिकरा, अगर तुझे कोई भी जरूरत हो ना तो मुझे फौरन फोन लगा देना। जय श्री कृष्ण, ध्यान रखना। पानी पे? नहीं जी गर्जी। टिक टिक। क्या हुआ राशि? जिगर जी मुझे एक बात बताइए, हमारा दिल किस तरफ होता है? यहाँ ना? इस तरफ। ऐसे कैसे गायब होगी? हे भगवान। दीक्षा ये रहा कैश जो मोदी पेमेंट कर गए थे, मैं कैश काउंटर से उठा लाया। ये सब बाद में पूरब। क्यों क्या हुआ? टिक 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 क्या बोल रही तुम? मुझे लग रहा है कि एनेस्थीसिया का असर अभी भी है तुम पर। नहीं नहीं आउच, मेरा पेट बहुत दुख रहा है जिगर जी, यहाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कोई पेन किलर देता हूँ, थोड़ा दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं वो पेन किलर उससे नहीं होगा, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आउच। माँ, काकी, पापा, काका जल्दी आइए। माँ मुझे लग रहा है राशि को वापस बहुत दर्द हो रहा है। राशि क्या हुआ? मम्मी जी बहुत दर्द हो रहा है। फिर से? हाँ। हे ठाकुर जी, मारी बहू ने रक्षा करो। जिगर कहीं टाकों की वजह से तो नहीं? नहीं अहम दिख रहा, उसकी वजह से इतना तेज दर्द नहीं होता कि बर्दाश्त ही ना हो। और वैसे भी डॉक्टर ने तो ऐसे दर्द के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है कि मामला गंभीर है मोटा भाई। रुको मैं डॉक्टर को फोन कर दूं। मीठी जा जल्दी से दवाई और पानी लेकर आ। मोटा भाई, मोटा भाभी, राशि की स्थिति तो और बिगड़ रही है। मुझे नहीं लगता है कि हमें और इंतजार करना चाहिए, हमें फौरन राशि को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। मीठी मोटा भाभी आप बा के पास रहिए, हम लेकर जाते हैं। अच्छा आराम से, आराम से। कहाँ चली गई? मैं हमेशा अपने केबिन में ही रखती हूँ, वहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अरे अब जाने भी दो। पर वो कितनी महंगी थी। ओफो, एक और खरीद लेना। पर आखिर वो गई कहाँ? मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी, क्यों परेशान हो रही? अरे आप लोग यहाँ, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब राशि को बहुत दर्द हो रहा है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑपरेशन होने के बावजूद भी इतना पेन। देखिए वो एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया होगा इसलिए। पर डॉक्टर साहब दर्द बहुत ही तेज है। Maybe, मतलब ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, कई सारे पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद ऐसे ही होता है। हम इसे पोस्ट ऑपरेटिव ट्रॉमा कहते हैं। डॉक्टर जो भी हो, लेकिन मेरी बीवी को बहुत तकलीफ हो रही है और आई थिंक ये बढ़ता ही जा रहा है। आप प्लीज कुछ करिए।